हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? लॉकडाउन का पीरियड चल रहा होगा, पढ़ाई बहुत हैम्परिंग हो रही होगी, और ये हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो क्लास 8th में 9th में 10th में मूव कर रहे हैं, और बहुत ढेर सारी उनके पास ड्रीम्स भी होगी कि आगे चल के हम लोग को IIT करना है, मेडिकल में जाना है। और मैथ एक बहुत बड़ा अहम पार्ट है, और मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, जो बच्चे JEE वगैरह में जाना चाहते हैं। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लॉकडाउन का समय है तो पढ़ाई बिल्कुल हैम्परिंग है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग आपके साथ साथ जो सैटरडे संडे का जो सिलेबस है वो हम लोग काउंटडाउन शुरू करेंगे, और आफ्टर ऑल आपका अप्रैल में तो बैच स्टार्ट हो ही जाता है, ठीक है? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम लोग वीक में आपको 2 डेज इस तरह रिकॉर्डिंग, आपको वीडियो लेक्चर्स भेजेंगे। आप लोग अपनी जो प्रैक्टिस है काफ़ी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, जो सिलेबस है, जो बुकलेट है, वो आप अपने को फॉलो करिएगा, और सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ मोटिवेट रहिएगा, घर में रहिएगा, और बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे आई एम विष्णु श्रीवास्तव, आप लोग जानते ही होंगे, और हम लोग जो आज बात करेंगे वो मैथमेटिक्स पे बात करेंगे। कुछ कॉमन लेक्चर्स लेके चलेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे चल के इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और ट्रिग्नोमेट्री आपका मैक्सिमम फिजिक्स में भी बहुत यूजफुल होता है, और मैथ्स में जो एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्रिकल ब्रांच है, आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल ब्रांच क्या है। उसके पहले आपको जो बेसिक है एंगल वगैरह, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, ट्रिग्नोमेट्री ये लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे मैंने एक हल्का सा दिया हुआ है कि मीनिंग क्या होता है, ये ब्रांच क्या होता है, ये कहाँ से आता है, इसको समझते हैं पहले। ट्राइगोनो इसी में से स्पेलिंग लिखा हुआ है, मेट्री ये 2 भाग में हमने यहाँ पे पिक्चरलाइज किया हुआ है। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल, और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजर। तो ट्रायंगल में आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रायंगल में मतलब यहाँ पे 2 बातें हो जाएंगी। ट्रायंगल यानी यहाँ पर 3 एंगल्स की बात होगी, और 3 एंगल्स की बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है 3 साइड्स होगा फॉर एनी फिगर ऑफ ट्रायंगल। आप ट्रायंगल कोई भी बनाइएगा, आप देखिएगा 3 एंगल आएगा और 3 साइड्स आएगा, तो टोटल जब आप करेंगे तो ये टोटल क्या आ जाएगा, 6 रेशियोज आता है, 6 रेशियोज आएगा। और यही 6 रेशियो जो हम लोग बात करेंगे, 6 रेशियो की जो बात होगी वो निकल के आती है क्या, आपको मालूम ही होगा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस 10। और आपको पता है कि साइन कॉस 10 और साइन से जो रिलेटेड होता है, ध्यान में रखिएगा, कोशिक, और कॉस का जो लेसन होता है सेक, और 10 का जिससे लेसन बनेगा कॉट। तो ये 3 तरीके का एक एंगल डिफाइन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल के नाम से जानते हैं। दिस इज द 6 रेशियो। लेकिन ये भी थोड़ा आगे मूव कर गए हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा पीछे आएंगे, बैक में एक पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल तो आप जानते ही होंगे, ट्रायंगल एनी फिगर दैट हैज द 3 एंगल। कोई भी ट्रायंगल आप बनाओ, कोई भी ट्रायंगल एंगल क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। दिस इज लाइन अबाउट का मतलब क्या हुआ, कितने तरीके का एंगल, कोई एक लाइन, दिस इज द इनर्शियल एंड दिस इज द टर्मिनल, इनर्शियल एंड टर्मिनल, व्हाट इज दिस पॉइंट, वर्टेक्स।
कोई भी एंगल बनने के लिए आपको तीन साइड्स की जरूरत पड़ेगी, तीन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पार्ट्स ऑफ एंगल, इनर्शियल साइड जहां से बनेगा, टर्मिनल साइड वेयर इज पॉइंट, टर्मिनल साइड एंड दोनों जिस पॉइंट से रोटेट करेगा दिस इज द वर्टेक्स। और चूंकि ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव एंगल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉजिटिव एंगल। सिमिलरली अगर इसको हम लोग नीचे की तरफ मूव करा दें, दिस अब यही लाइन हुआ, दिस इज द इनर्शियल एंड दिस टर्मिनल, और ये लाइन नीचे की तरफ जा रहा है और ये तुम्हारा वर्टेक्स हुआ, और ये जब लाइन नीचे आएगा दिस इज द क्या नेगेटिव नेगेटिव एंगल। यानी जब अपसाइड पॉजिटिव इनिशियल के नीचे दिस इज द नेगेटिव एंगल। जैसा अभी हम लोगों ने बोला था कि टू टाइप्स ऑफ एंगल, तो टू टाइप्स एंगल में हम लोग जानेंगे पॉजिटिव एंगल एंड सेकेंड नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल में यहाँ पर क्या आ जाएगा? इनर्शियल साइड, टर्मिनल साइड, वेयर इज पॉइंट्स आर मूविंग वर्टेक्स, दिस इज द जीरो एंड अपर साइड अपर मूव दिस इज द पॉजिटिव एंगल, दिस इज द पॉजिटिव एंगल। सिमिलरली वर्टेक्स ओ और ये इनर्शियल साइड से मूव करेगा टर्मिनल साइड की तरफ, दिस इज द नेगेटिव एंगल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये हुआ और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये यही एंगल है तो ये इधर हो गया, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा? माइनस थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ थीटा। दिमाग में रखते चलिए थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई है, तो ये दिस इज द थीटा। स्पेलिंग मत पूछ देना मेरे से, थीटा, दिस इज द थीटा एंगल। ठीक है, तो इस तरह का एंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल क्या होगा? मेजर ऑफ एंगल इज अमाउंट ऑफ is amount of rotation performed to get the terminal side from the inertial side, terminal side to inertial side. Now types of measure of angle, types of measure of angle. पहला आपको पता ही होगा हम लोग एंगल किस में मेजर करते हैं, याद है? डिग्री मेजरमेंट। सेकेंड क्या आएगा? रेडियन मेजरमेंट, राइट है? हम लोग डिग्री मेजरमेंट तो जानते ही हैं, और हम लोग को अभी सीखना है क्या है रेडियन मेजरमेंट, लेकिन ये तो तब आएगा जब हम लोग को एंगल पता होगा, और एंगल के विषय में अब हम लोग बात करेंगे। आइए बात करते हैं एंगल मेजरमेंट। अब यहाँ से जो आपका टॉपिक है, अब हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे, उसको आप लोग ध्यान से देखना। अब हम लोग ये जानते हैं क्या? क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग। क्वाड्रेंट्स क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं मालूम ही है? जीरो डिग्री। इसे क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। और इसे क्या बोलते हैं? 270। और फिर ये घूम के आ जाता है क्या? 360 डिग्री। यानी यहां से यहां तक की डिग्री 90, फिर ये कितना हुआ? 90। तो ये टोटल एंगल कितनी हो गई? 180। और फिर ये एंगल कितना बना? 90।
तो ये टोटल फिर ये कितना हो गया बताना भाई, 270 राइट है, और फिर ये 90, तो फिर ये टोटल ऐड कर दिया मैंने क्या, 270 प्लस व्हाट 90, दैट इज 360, यानी हर एक एंगल आपस में 90 90 पर ये क्या है डिवाइड है। तो एक एंगल, एक रोटेशन व्हाट, वन रोटेशन 360, सिमिलरली टू रोटेशन 720, इसी तरह आगे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे जो पाई की वैल्यू होगी, दिस इज द पाई, इसको हम लोग 180 डिग्री से लिखेंगे, दिस इज द पाई दैट इज रेडियन एंड दिस इज द डिग्री मेजरमेंट, ठीक है, दिस इज द मेजर, रेडियन मेजर एंड दिस इज द डिग्री मेजर, राइट। जैसे अगर आपने कहा कि 180 बाई 2, तो आपने ये क्या कह दिया पाई बाई 2, तो 180 बाई 2 और डेट इज द क्या 90 डिग्री, क्लियर हुई बात। यानी पाई पाई बाई 2, पाई बाई 2 व्हाट, दिस इज द रेडियन एंड दिस इज द क्या डिग्री। जैसे 180 डिग्री बाई 4, तो अब हमने क्या लिख दिया पाई बाई 4, और पाई बाई 4 को क्या लिखेंगे 45, राइट है, ये कैंसिल करेंगे ना 45, तो दिस इज द पाई बाई 4 एंड 45 डिग्री, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, टेक्नोमेट्रिक, डिफिनेशन ऑफ टेक्नोमेट्री लिख लो, टेक्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स एंड द प्रॉब्लम्स एलाइड एंगल एलाइड विद एंगल्स। तो आपको याद रखना है, लर्न अबाउट द डिफरेंट टेक्नोमेट्रिक रेशियो, जो मैंने आपको रेशियो शुरुआत में ही बताया था, सिक्स रेशियो जाते हैं, वो सिक्स रेशियो क्या क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और फिर मैंने क्या कहा था साइन का रिलेशन किसके साथ, कोशेक थीटा, कॉस के साथ सेक थीटा जाएगा, और टेन के साथ क्या आएगा क्वाड थीटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, आगे बात। ट्रिग्नोमेट्री वैसे कोई ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ द एंगल विद द ट्रायंगल एंड एलाइड द एंगल, एलाइड द एंगल का मतलब क्या पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, इसके ऊपर की बात करेंगे। ओके, नाउ कंसीडर द राइट एंगल, कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द 90 डिग्री ए बी और सी, ए बी सी। अब इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे मैंने एंगल लिया, एंगल क्या लिया, मान लिया एंगल ए, या यहां पे थीटा मान ले, क्या थीटा मान लेते हैं, लेट एंगल ए इक्वल टू थीटा, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू थीटा। अब सुनो इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड्स होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस
एंगल के ठीक सामने वाली साइड होंगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड बेस। इसको आपको अपने दिमाग में रखना है एकदम फिक्स करके। 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, और जो बाकी जो थर्ड बचेगा वो बेस। ये फिगर वन था। अब अगर फिगर टू की बात करें, सेम फिगर बना लेते हैं। दिस इज द 90 ए बी सी। अब हमने एंगल यहां रख दिया, पूरा चेंज हो जाएगा। अब आप बताओ 90 के सामने वाली तो चीजें वही रहेंगी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एच लिखेंगे। परपेंडिकुलर को पी और बेस को बी, तो आप याद रखना एच पी पी। तो 90 के सामने वाली बोलो एच, एंगल यहां गया, एंगल यहां पे रहा, तो एंगल के ठीक सामने वाली साइड बोलो क्या बोलेंगे, पी। व्हाट इज पी? परपेंडिकुलर। और जो थर्ड साइड है वो क्या बन गया, बी। एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो गया होगा आई होप। कंसीडर द राइट एंगल, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर किस में काम करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल की। और ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ किस एंगल की बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो फिगर वन में हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, जहाँ पे बी 90 डिग्री है। अगर थीटा एंगल यहाँ बनाते हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले साइड्स हाइपोटेनियस, और बाकी जो थर्ड साइड बचेगा दिस इज द बेस। एंड फिगर टू में लेते हैं, अगर ये ए बी सी है, ये 90 डिग्री है, तो 90 वही सिमिलरली हाइपोटेनियस, एंगल यहाँ पर शिफ्टिंग किया तो ये पी यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये दिस वे। और यहाँ पर एक थ्योरम भी काम करता है, आप लोग को याद होगा, जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। याद है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 7th 8th में पढ़ाया गया होगा 7th में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस यानी क्या, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बोलो बी सी का स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको शॉर्ट में याद रखना है, ए सी को यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये फिक्स है एकदम, एच स्क्वायर बोलो, ए बी यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस क्या पी स्क्वायर। दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ भी अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो बताइए क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी वही है 90 डिग्री, एच स्क्वायर इक्वल टू बोलो आगे पीछे हो गया नो प्रॉब्लम, पी स्क्वायर है तो दोनों प्लस में ही बी स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग है, आप पॉज करके उसको समझ लीजिए, क्या कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछिए। ट्राइंगल इज शोन इन फिगर, इज शोन इन फिगर, एंगल पी इज 90 डिग्री, साइड अपोजिट टू एंगल बी, बी कॉल्ड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। देयर आर टू अदर एंगल, एंगल ए एंड एंगल सी, इट वी कंसीडर एंगल सी एज थीटा, देन अपोजिट साइड टू दिस एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू
थीटा इज कॉल्ड बेस, इज कॉल्ड बेस. यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो वहाँ पे हम लोग डिसाइड कर चुके थे कि 90 के ठीक फ्रंट पे जो होता है हाइपोटेनियस होता है एंगल के ठीक सामने वाली साइड्स को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, बाकी जो बच जाता है उसको हम लोग बेस कहते हैं. तो यहाँ पे मैंने वही लैंग्वेज में लिख दिया हुआ है, ए राइट एंगल ट्रायंगल शोन इन फिगर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, साइड अपोजिट यानी अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, दिस इज द हाइपोटेनियस अपोजिट ऑफ. There are two other angle, that is angle A and angle C. If consider angle C as theta, अगर इसको हम angle theta बोलते हैं C को, then opposite side to the angle is called perpendicular. यानी angle theta के ठीक opposite वाली side को P बोला जाएगा. और side adjacent theta, theta के ठीक adjacent वाली side को हम लोग क्या बोलेंगे, base बोलेंगे. Clear है? और ये पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से शुरू होता है वो टोटली किस पे जाके गिरेगा, पाइथागोरस थ्योरम पे. और उसमें आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कौन हाइपोटेनियस है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है. एंगल शिफ्टिंग करेगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा. आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस. सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल पहले से पता है, ये हमने 90 माना हुआ है और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, दिस इज द एंगल थीटा एंड दिस द पी और बाकी जो बचा बी. तो ये ए बी सी आइए डिफाइन करते हैं. तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो पूरा लिखना पड़ेगा पर चल लिख देते हैं भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है पी बाई एच, पी बाई एच. सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लोग लिखेंगे क्या, यहां पर पी क्या, व्हाट इज द पी, व्हाट इज द पी, पी को क्या लिखेंगे, पी डेट इज, अरे रेड पेन मार्क, what is the p, bc upon h ac. clear, cos theta, what is the cos theta, base upon hypotenuse. ye dimag mein fit hona chahiye, base upon, ye koi special magic nahi hai, wo batayenge baad mein, but abhi aapko aise hi kaam karna hai. साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई एच. तो क्या होगा, बी बाई एच. व्हाट इज द बी बाई एच, बी किसको माने हैं, ए बी अपॉन एच ए सी. अगेन टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, व्हाट इज द टेन थीटा, P by B, यानी perpendicular upon base. Perpendicular क्या है यहाँ पर, what is the P, BC upon AB. ठीक है, तो तीन अगर आपके याद हो गए तो तीन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. कैसे होगा ये, दिमाग में एकदम अभी से रट लेना है, भर लेना है, चाहे जैसे भी हो. तो साइन थीटा पहली बात हमको राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए, डिसाइड करना है 90 डिग्री का, 90 डिग्री को डिसाइड करते ही हाइपोटेनियस पता हुआ, एंगल मालूम है तो एंगल के ठीक सामने वाली अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर. अब बाकी तीसरे के बारे में तो पूछना ही, ऑटोमेटिकली बेस होगा. यानी दो फिक्स करना है, दो कैसे फिक्स करेंगे, 90 डिग्री वाला और एंगल वाला. अब यहाँ पे साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा पी बाई एच याद रखना है, पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस बी बाई एच, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस बी सी अपॉन ए बी. तो इसको शॉर्ट में फॉर्मूला बता दें, आपको
बहुत लोगों को तो पता ही होगा यहाँ लगना ट्रिपल नहीं है, बहुत इजी है। तो ऊपर वाला क्या क्या आ रहा है, पी बी और पी अपॉन, बोलो क्या, एच एच और व्हाट बी। पहला पी बाय एच शॉर्ट में, पी बाय एच, पी बाय एच को क्या बोलेंगे साइन थीटा, बी बाय एच को क्या बोलेंगे कॉस थीटा, और पी बी क्या बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है, तो इसको आप जैसे हो वैसे याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है और याद करने का तरीका आपको पता ही है क्या, जैसे चाहे वैसे याद करें। याद करने का तरीका पी यानी कुछ भी बना सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कैसे आप याद करते हैं। तो याद रखने का तरीका पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बाई एच यानी जो पहला आएगा साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा। हमने सिक्स की बात किया तो यहाँ पे तीन आ चुके हैं, कॉस की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि साइन थीटा, इसे बताइए साइन थीटा क्या आएगा, पी बाई एच, कॉस थीटा बताइए बी बाई एच, और टेन थीटा बता दीजिए कितना आ गया भाई पी बाई बी। अब हम आपसे क्या बोले थे कि साइन थीटा का रिलेशन किससे होता है कोसेक थीटा का, रिवर्स कर दीजिए, एच अपॉन बी सेक थीटा, एच बाई बी और कॉट थीटा व्हाट पी बाई बी। तो अब एक रिलेशन ये हमारा मेंटेन हुआ, दूसरा रिलेशन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, देखिए रिलेशन बनना शुरू हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या आएगा, पी बाई एच इंटू एच बाई पी, पी से पी कैंसिल कितना आया वन, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन, या साइन थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन क्या कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा अगर पूछा जाएगा तो आप क्या लिख देंगे वन अपॉन साइन थीटा, एनी प्रॉब्लम। इसी तरह तीनों का आपस में मल्टीपल हो करके काम होगा, इस तरह आपने देखा साइन और कोसेक का रिलेशन ये निकल गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड रिलेशन की बात करते हैं, टेन थीटा सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या था यहाँ पर बी बाई एच और सेक थीटा एच बाई बी, दोनों को मल्टीपल करा दीजिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा पी बाई एच इंटू एच बाई बी, ये कैंसिल हो गया ये वन आ गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन, या इसी को हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू, एक फॉर्मूला ये बन गया है कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, ये कुछ इस तरह के रिलेशन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली थर्ड केस भी बना लेते हैं, थर्ड केस टेन थीटा पी बाई बी कॉट थीटा बी बाई पी, तो मल्टीपल करा लो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा पी बाई बी इंटू बी अपॉन पी, दिस इज द कैंसर। तो यहाँ पर एक रिलेशन बन गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन, यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, ये शिफ्टिंग होगा। अब जब ये हो सकता है तो cot थीटा इक्वल टू क्या वन अपॉन टेन थीटा, दिस इज द आंसर। ठीक है,
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज आप पढ़ाई पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस बनाइए, आपके पास जो किताबें हैं उसमें से लीजिए। बुक्स अगर अभी मान लीजिए लॉकडाउन में नहीं है तो आप नेट से भी क्वेश्चन निकाल करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, इसके बाद के आगे की टॉपिक हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, डैट्स ऑल।